हेलो व्यूअर्स, सलाम अलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मेरा नाम है सोहेल अहमद, आप देख रहे हैं सोहेल अहमद टीवी। तो भाई आज आप लोगों को अपने सेटअप के जो डव है मेरे पास, ठीक है, वो मैं आपको डव की प्रोग्रेस दिखाऊंगा कि माशाल्लाह मेरे पास क्या प्रोग्रेस चल रही है, ठीक है। इस मौसम में जो कि बारिशों का मौसम है, आपको पता है इस वक्त क्या प्रोग्रेस है, कितने पेयर जो है वो ब्रीड पर आ गए हैं और पट्टे वगैरह निकले हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। तो चले स्टार्ट करते हैं, आपको डव दिखाते हैं। इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैंने पट्टे लिए थे 25 पेयर, ठीक है। पट्टों में आपको पता है कि नर मादी जो है वो पता नहीं चलता कि 25 पेयर में कितने जो है वो नर है कितनी मादी है। वो पट्टे लिए थे मैंने छोटे, और उनमें से माशाल्लाह मैंने तैयार किए हैं, कुछ मेरे पास मेल ज़्यादा निकले। तो अभी मेरे पास जो है वो कोई 15-16 के करीब जो है वो पेयर तैयार हो गए, ठीक है, जिसमें से पूरे पेयर तो ब्रीड नहीं कर रहे, लेकिन जो ब्रीड कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि मैंने पट्टों से तैयार किए हैं सारे जितने भी हैं मेरे पास, ठीक है। मैंने जो है वो ब्रीडर पेयर कहीं से नहीं ख़रीदे। ब्रीडर पेयर जो है वो आपको पता है, ब्रीडर पेयर मैंने 2 ख़रीदे थे, लेकिन वो उनको 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक ब्रीड पर नहीं आए मेरे पास, ब्रीडिंग नहीं की है। तो पट्टे जो लिए थे वो तैयार हो गए माशाल्लाह, उन्होंने जो है वो किसी किसी पेयर का तो तीसरा कलच भी चल रहा है। तो चले आपको मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ कि क्या प्रोग्रेस है। ओके व्यूअर, तो सबसे पहले ये ऊपर वाला जो रॉ है यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको इसके अंदर क्या है। इसने पता, इसने जो है वो फर्स्ट ब्रीड की थी, ठीक है, उसके बाद ये दोबारा अंडों पे आ गई है मादी, इंशाल्लाह बच्चे इसके बाहर आ गए थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या है, ये ज़रा पीछे की तरफ से रोशनी आ रही है, ये देखें माशाल्लाह इसने जो है वो 1 अंडा दे दिया है अभी, ठीक है। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके यार, तो यहाँ पे आप देखें कि माशाल्लाह इसने जो है वो अंडे दिए थे और ये 2 बच्चे निकल आए इसके, ठीक है, ये आप देख सकते हैं दोनों बच्चे जो है वो निकाल लिए अभी इसने। ये बारिश में काफ़ी भीगे भी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कुछ अंडे जो है वो इनके ख़राब भी हुए हैं, डेड इन सेल भी हुए हैं, और कुछ जो है वो इन्होंने बचा के, डब क्योंकि अंडों से उठती नहीं है जल्दी, बचा के जो है वो बच्चे निकल आए उसमें, ठीक है। एक पेयर ये, बाकी एक पेयर ये है हमारे पास। ओके व्यूअर, तो ये भाई एक पेयर है, ठीक है, इसने फर्स्ट ब्रीड की है मेरे पास। ये 1 अंडा दिया था, ठीक है, ये डायमंड का है, और एक ही बच्चा इसने निकाला है। ये आप बच्चा देख सकते हैं माशाल्लाह बड़ा हो गया बच्चा। ये 3-4 दिन के बाद इसको मैं अलग कर दूंगा, मादी ने दोबारा से अंडे दे दिए, ठीक है। 1 अंडा दिया था, फर्स्ट कलच था इसका। अच्छा, ये कभी कभी 3 अंडे देते हैं, कभी 1 भी देते हैं। अभी दोबारा अंडों पर बैठी हुई है मादी, ठीक है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह डायमंड का पेयर है, और ये डायमंड ही बच्चा निकाला है इन्होंने। बाकी इसके अलावा ये एक और डायमंड का पेयर है मेरे पास, ठीक है, ये माशाल्लाह अंडों पे बैठी है मादा, ये देखें। इसके अंडे भी जो है वो फर्टाइल हैं, अभी ये बच्चे निकलने वाले हैं इसके अंडों से भी। तकरीबन इसको हो गए मेरे ख्याल से कोई 8-10 दिन हो गए, 2-3 दिन के बाद बच्चे निकल आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि डव के बच्चे जो है वो 12-13 दिन में निकल आते हैं, बाकियों के 14-15 दिन लगते हैं, 16 दिन, मतलब 14-18-21 दिन तक जो है वो प्रोसेस होता है। किसी के 14 दिन में निकलते हैं, और किसी के जो है वो 15-16-17 दिन में निकलते हैं तोतों के। डब के जो है वो 12-13 दिन में निकल आते हैं माशाल्लाह, तो बड़ी फास्ट प्रोडक्शन है इनकी, ठीक है। आपको मैं पट्टे भी दिखाऊंगा आखिर में। तो ये है, और इसके अलावा नीचे हम चलते हैं, बाकी नीचे ये देखें माशाल्लाह एक और पेयर है हमारे पास, ये भी अंडों पर बैठा हुआ है, ये भी एक डायमंड है। और इसके अलावा जो है वो ये मादी, इसकी जो है वो वाइट टेल है ये नीचे, और ये नर अंडों पे बैठा हुआ ये डायमंड है, ठीक है। इसके अलावा एक और पेयर है हमारे पास माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं, ये भी अभी अंडों पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये वाइट टेल का पेयर है हमारा, ये इसकी मादी है नीचे, मेल बैठा हुआ अंडों पे। बाकी भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके तैयार हो जाएंगे। ये सारे जो है ना मेरे समझ लें कि पट्टों से तैयार मैंने किए हैं। मार्च में पट्टे लिए थे मैंने, और आप लगा लें सितंबर में, ये इन्होंने जो है वो अगस्त में स्टार्ट कर दी थी ब्रीडिंग। कुछ की दूसरी तीसरी कलच है, कुछ की जो है वो फर्स्ट कलच है। तो और आपको दिखाते हैं। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे कुछ हमने 7 छोड़े हुए थे, ठीक है, यहाँ पर माशाल्लाह एक छन्नी में, इस वाली छन्नी से जो है वो 2 बच्चे कूद गए। यहाँ बच्चे देखें, एक बच्चा ये है और इसके साथ दूसरा बच्चा वो है, ठीक है। और बाकी दूसरी छन्नी में देखते हैं कि
यहाँ पर भी माशाल्लाह बच्चे हैं, ये आप देखें दो बच्चे ये हैं, ठीक है, ये भी वाइट टेल के हैं। तो ये प्रोग्रेस है इनकी भाई ओवरऑल। ये बच्चे भी तकरीबन जो है वो 3-4 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये बड़े हो जाएंगे और इनको मैं अलग कर दूंगा फिर, ठीक है, पट्टे वगैरह ये आप देखें, ये सारी जो है वो होम ब्रीड है। अच्छा, ये इसके अंदर जो है वो तकरीबन 8 जो है वो बड़े हैं। अब इसमें निशानी लगा के मुझे अलग करने पड़ेंगे, या मैं एक खाने के अंदर ये दो छनियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, मैं दो जोड़े छोड़ दूँगा, ठीक है, और उसके बाद जो है ये ब्रीडिंग करते रहेंगे। बाकी जो फालतू है इसके अंदर ज़्यादातर मेल हैं वो मैं अलग कर दूँगा, बाकी कुछ मेल ये हैं मेरे पास, ठीक है, क्योंकि डव के अंदर, डव कबूतर की नस्ल है, एक किस्म है, तो डव के अंदर जो है ना ज़्यादातर नर निकलते हैं। जैसे 25 पेयर मैंने लिए थे तो उसमें जो है वो 50 दानों में से 40 दाने नर निकल गए एक्स्ट्रा, और बाकी जो है वो 20 दाने मादियाँ निकली हैं। समझ लें कि 50 में से 20 मादियाँ और 30 नर, इस तरीके से आप लगा लें, ऐसे निकले। नरों की तादाद इसमें ज़्यादा होती है, सारे बड़े नर हैं माशाल्लाह, फर्स्ट ब्रीडर हैं ये, आप देख सकते हैं। अगर किसी भाई को चाहिए हो तो ये नर मैं उसको दे दूँगा। अच्छा, इसके अलावा दो जोड़े ये हमारे पास फोन के जोड़े, ये भी माशाल्लाह ब्रीडिंग में आ रहे हैं, एक ने तो नीचे अंडा दे दिया है, ये आप देखें, फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करेगा मेरे पास है। ये बड़े जोड़े मैंने लिए थे और ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेंगे अभी इंशाल्लाह मेरे पास, ये चेक करें। जब मादी अंडों पे होती है ना तो मारते हैं नर उनको, ये देखें गंजा किया हुआ है मादियों को नरों ने मार मार के। कबूतर जैसे दौड़ाता है ना अपनी मादी को, जब अंडों पे होती है मादी, वो पीछे भी मादी देखें, ऐसे ही ये मारते हैं नर। तो ये है सारी पोजीशन। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, दाना पानी ऐसा है कि बाकी जो लबड़ का जितना भी मेरे पास कचरा निकलता है, कचरे से मुराद लबड़ जो है वो दाना तोड़ता है, आधा खाता है आधा नहीं खाता, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें मनपसंद चीज़ें खा लेता है बाकी बचाता है, तो सारा दाना हम छान के जो है वो सारे डव को देते हैं। डव के लिए अलग से दाना कोई भी नहीं आता, ठीक है, डव के लिए हम दाना ख़रीदते नहीं हैं। अब मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर कि इसके अंदर आप चेक करें, इस दाने में आपको बाजरा कमी नज़र आएगा, ये देखें ज़्यादातर कंगनी है, जई है, और इसके अंदर कुछ आपको भंग के बीज भी मिलेंगे, कुछ कैनरी के बीज भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इनको देंगे तो बेहतरीन ब्रीड करेंगे ये। और अच्छा, अगर आप इनको बाजरा और कंगनी पे रखेंगे उससे अच्छी जो है ना, ये इसमें मिक्स दाना होता है लबड़ जो बचाता है, काफ़ी चीज़ें होती है, सिर्फ दो चीज़ें नहीं होती, तो उसमें और अच्छी ब्रीड होती है। अच्छा, पट्टे में आपको ये देखें, ये 3 पट्टे हैं भाई, ये तैयार हैं पट्टे, तकरीबन ये 2.5 से 3 महीने के पट्टे हैं, ये मैंने अलग किए हुए हैं, ठीक है, तो ये भी अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन में अलग हो जाएगा बच्चा, बाकी जो दूसरे बच्चे दिखाए वो भी अलग हो जाएंगे। तो लो कॉस्ट है इनकी, बिल्कुल जो है वो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, और इनका जो फीडिंग कॉस्ट है वो भी बिल्कुल लो है, तो ये आसानी से जो है वो पल जाते हैं और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं, ठीक है, और कोई इतना मतलब ज़्यादा जो है वो मसला नहीं होता इनको कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन चलाएं और ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर वो इनको जो है वो कॉड लीवर ऑयल और बाकी जो है वो वीट जर्म ऑयल और काफ़ी चीज़ें, झींगा वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे जैसे ये बड़े होते हैं फ़ौरन नरमादी आप अलग करेंगे इंशाल्लाह ब्रीड भी आ जाते हैं। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सोलेमटी को सब्सक्राइब करें। जिस भाई को चाहिए वो पट्टे वो हमें कमेंट कर सकता है, इंशाल्लाह हम रब्ता करेंगे खुद ही उससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा कि हमारे लिए।